हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एंजाइम्स अपना जो बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री का, और इसके बिना बायोकेमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आज हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स क्या है और एंजाइम किससे बना हुआ है और एंजाइम्स का क्या काम है और हमारे शरीर में ये क्या क्या रोल प्ले करता है। तो एंजाइम्स आर की ऑफ लाइफ या की टू लाइफ, यानी ये जीवन की कुंजी है। एंजाइम्स हमारे जीवन की, हर एनिमल्स की जीवन की, प्लांट की, सबकी ये की है और इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली, एंजाइम्स हम लोग अभी तक बायोकेमिस्ट्री में सारे बायोमोलिकुल्स पढ़े हैं और पढ़ेंगे आगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, उसी तरीके से हम एंजाइम्स की बात करेंगे। एंजाइम्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। हमने आपको प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में बताया था कि एंजाइम्स क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन का एक टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन। और सारे एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स का नेचर क्या होता है, आरएनए कैटालिटिक होता है, वो उसका नेचर आरएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नेचर होता है, लेकिन बाकी सारे एंजाइम्स जो है प्रोटीन का बना होता है। और इसका, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शंस हो, कोई भी केमिकल्स रिएक्शंस को अगर कंडक्ट हो रहा है और उसको आगे फॉरवर्ड कराना है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करना है, तो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, वैसा केमिकल्स जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। उसी तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो हमारे शरीर में जो भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं हमें जीवित रखने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, जैसे एटीपी की सिंथेसिस करना, और भी बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस, बहुत सारे पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यूरिया साइकिल, ये सारे साइकिल्स जो हो रहे हैं सब में एंजाइम्स का रोल है। अगर वो एंजाइम्स अपना काम नहीं करता है तो वो पाथवे क्या होगी, रुक जाएगी, और रुकने के बाद जो उसका प्रोडक्ट होगा, जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल है, वो हमें मिलेगा नहीं। अगर वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम क्या, प्लांट भी सर्वाइव नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से ये एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट, चूँकि हमारे शरीर में ये कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसीलिए हम इसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, स्पीडिंग अप रिएक्शन रेट बाई लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बींग एफेक्टेड बाई द रिएक्शन इट कैटलाइज। ठीक है, जिस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेके और उस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ठीक है, कैसे, बाई लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी बात करें, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ए से बी बनना है, ए से, ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है बिना एंजाइम के, विदाउट एंजाइम्स, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी उस रिएक्शन को चलाने के लिए, उस रिएक्शन को कैरी करने की जरूरत होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन, ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो बिना एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी आपको इतना सारा लग रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा लग रहा है उस रिएक्शन को करने में, लेकिन जैसे ही हम कैटलिस्ट डालते हैं, जैसे ही हम एंजाइम डालते हैं, तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। सपोज करो 10 किलो कैलोरी लगना चाहिए एनर्जी, विदाउट एनर्जी, विदाउट एंजाइम्स 10 किलो कैलोरी लग रही है। अब जैसे ही हम एंजाइम डालेंगे तो वो आपका 2 किलो कैलोरी लगेगी, यानी एंजाइम एनर्जी क्या हो गई, एंजाइम ने डिक्रीज कर दी। तो इस तरीके से वो रिएक्शन क्या चलेगा, फास्ट चलेगा। समझ में आ रहा, तो ये क्या, ए से बी आपको जल्दी बन जाएगा ड्यू टू लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स का नेचर हमने बताया था, सबसे पहले ही बताया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। एंजाइम का नेचर क्या होता है, प्रोटीनियस होता है, और हम जानते हैं कि प्रोटीन का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, एमाइनो एसिड। तो एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स जो है हमारा एमाइनो एसिड से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर अलग अलग एंजाइम्स बने होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या है, राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल विथ एंजाइम एक्टिविटी, विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी।
और इसका कैटालिटिक बिहेवियर होता है, क्यों आता है, कोई भी एंजाइम्स कैटालिसिस क्यों करेगा, ड्यू टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टर। हमने पढ़ा था 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर और 4 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ये जब एक स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाएगा, तभी हमारा एंजाइम कोई कैटालिटिक, हमने बताया था कि प्रोटीन कोई जब सिंथेसिस होती है तो वो नेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। अब नेटिव फॉर्म में होता है, फिर प्रोटीन की क्या होती है, फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग होने के बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके इसमें कैटालिटिक बिहेवियर आता है। जैसे हम लोगों ने डाइजेस्टिव एंजाइम में देखेंगे, हम लोग बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर आफ्टर सिक्रीशन जब उसको डाइजेशन का समय आता है तो वो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म हो जाता है। स्टार्टिंग में वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है और एक्शन के लिए वो कैटालिटिक, जब एक्शन देना होता है तो वो एक्टिव फॉर्म होता है, ड्यू टू आपका फोल्डिंग, प्रॉपर फोल्डिंग की वजह से हमारा प्रोटीन फंक्शनल होता है, हमारा एंजाइम कैटालिटिक होता है, तब वो जाके रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अगर बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, उसमें से पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना, मान लो हमारे पास 10 सबस्ट्रेट हैं, S1, S2, S3, S4, S5, इसी तरीके से S10 है, और ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम, और ये एंजाइम क्या होगा, अब इनको ढूंढेगा इस एक्टिव साइट में कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो जो इसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा वही इस पे बाइंड करेगा, बाकी सबको ये बाइंड नहीं करने देगा। आ रही बात समझ में, इसीलिए जो है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसा रिएक्शन हो रहा है उसके लिए वो स्पेसिफिक होता है। अब बात करते हैं कि एंजाइम्स बना किससे है, हमने अभी तक बताया कि एंजाइम्स प्रोटीन का बना होता है, लेकिन उस एंजाइम्स में एक और पार्ट होता है आपका कोफैक्टर्स, जो फंक्शनल एंजाइम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। ये क्या है, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल एंजाइम है, ये बना हुआ होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से। एपो एंजाइम्स मतलब प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ओके। होलो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ एपो एंजाइम एंड प्लस कोफैक्टर और कोएंजाइम। अगर केवल अकेला एपो एंजाइम होगा तो वो काम नहीं करेगा, अगर वो कोफैक्टर्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये कोफैक्टर्स दोनों हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक, ये एक मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकली जो है ये मॉलिक्यूल्स होगा और ये कुछ भी हो सकता है, Mg+2 भी हो सकता है, ठीक है, Ca2+ भी हो सकता है, ओके, FmN भी हो सकता है, कुछ विटामिन भी हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं जो आपके प्रोटीन वाला जो पार्ट है उसके साथ मिलके फंक्शनल एंजाइम बनाता है। जब तक होलो एंजाइम्स नहीं बनेगा वो आपका एंजाइम्स आपका कोई काम लायक नहीं होगा, जब उसके साथ कोफैक्टर्स मिल जाएगा तब ये प्रोटीन फंक्शनल बनेगा। इसीलिए किसी भी डिजीज में अगर हम मेडिसिन लेते हैं उसके साथ डॉक्टर हमें सप्लीमेंट्री मेडिसिन भी लिखते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, मल्टी विटामिन्स आर कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स, वो कंबाइन करके आपका एंजाइम कैसे, चूंकि जो भी बहुत सारी ऐसे बीमारी होती हैं जो एंजाइम्स में डिसऑर्डर के कारण होती है, जब हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो हम थायराइड की गोली खाते हैं, उसके साथ डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है मल्टी विटामिन, क्योंकि वो तभी काम करेगा जब उसके साथ मल्टी विटामिन आप लोगे, अन्यथा वो 100% इफेक्टिव नहीं होगा। तो एंजाइम्स विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट इज इनएक्टिव, इसके बिना ये क्या है, इनएक्टिव है, और इसके बिना भी ये काम नहीं करेगा, सिर्फ आप चाहो कि कोफैक्टर हो जो जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाए वो भी संभव नहीं है, दोनों का होना मस्ट है, दोनों का होना जरूरी है, दोनों जब मिलेंगे तभी ये फंक्शनल एंजाइम्स बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये कैसे जो है काम करता है। तो आप लोगों ने एक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कैसे जो है A+B मिलके
सी प्लस डी बनाता है, और उसके लिए फिर हम लोग निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू सी डी बाई ए और बी, सी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट डी का कॉन्सेंट्रेशन ए का डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरीके से हमारा एंजाइम में भी यही फॉर्मूला लगता है जब एंजाइम्स किसी भी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। तो द एंजाइमेटिक रिएक्शंस टेक प्लेस बाय बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल बाय सेवरल वीक बॉन्ड। जैसा कि हमने बताया कि एक्टिव साइट्स में एमाइनो एसिड्स होंगे, उस एमाइनो एसिड्स सबस्ट्रेट के साथ वीक बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, वंडरवाल फोर्सेस, आयनिक इंटरैक्शन, इन सब इंटरैक्शन के साथ जो है, इन सब इंटरैक्शन के द्वारा जो है सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इन्हीं इंटरैक्शन के बाद वो रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। तो सबसे पहले जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट्स। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट्स ये कम टाइम के लिए बनेगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ये अल्प कम टाइम के लिए बनेगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट में। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया, ES कॉम्प्लेक्स बना, ये दोनों क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आप यहाँ से ES बना दिए, ES से आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बट जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट एक बार बन जाएगा तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर आप इसको दोबारा रिटर्न ES कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये रिवर्सिबल, इसका डायरेक्शन ये होता है। अब इसका डिटेलिंग हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के रूप में, कि कैसे जो है हमारा रिएक्शंस इसमें क्या है, माइकल्स मेंटेन इक्वेशन क्या है, क्या के होगा, क्या इसमें इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे।